चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आयुष काउंसलिंग यानी कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएसएमएस काउंसलिंग के लिए अभी भी 194 सीट्स वैकेंट हैं, यानी कि इनकी काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसके बाद 194 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं आयुष कोर्सेज के लिए। तो इसमें कितनी सीट कौन से कोर्स में अवेलेबल हैं, इसके लिए सीट मैट्रिक्स जारी हो चुका है और डबल ए ट्रिपल सी ने ये डिसाइड किया है कि इन वैकेंट सीट के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंप्लीट करवाया जाएगा। स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट करवाने के लिए क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसका शेड्यूल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो सीट मैट्रिक्स हमने कैसे चेक करना है। तो इसकी वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे तो करंट इवेंट्स में प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी लिखा है। इसमें आप कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज सीट देख सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन से कोर्स में, किस कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट है अभी भी। इसके बाद में वैकेंट सीट तो बीएमएस के लिए भी अभी ऑल इंडिया कोटा के लिए 33 सीट्स वैकेंट हैं, टोटल 194 सीट्स वैकेंट हैं अभी भी। तो इसमें आप ये सीट मैट्रिक्स चेक कर लें। इसके बाद में जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होना है उसके क्या रूल हैं, इसके बारे में एक बार हम चर्चा करेंगे, फिर इसका शेड्यूल देख लेते हैं, फिर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 194 सीट्स के लिए रूल क्या है। तो रूल ये है कि अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यानी कि पहले प्रीवियस राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वही कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें, फ्रेश रजिस्ट्रेशन इस राउंड में नहीं होगा है। इसके बाद इसमें फ्रेश च्वाइस फिल होंगी, यानी कि जिन कैंडिडेट ने प्रीवियस राउंड्स में रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो इस राउंड के लिए च्वाइस फिल करेंगे। इसके बाद में तीसरी कंडीशन ये है कि हर एक कैंडिडेट जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है 10,000 रुपीज इसमें पहले डिपॉजिट करेगा, उसके बाद ही वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है, यानी कि अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये आपका रिफंड हो जाएगा अमाउंट। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, इस राउंड में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको रिफंड हो जाएंगे 10,000 रुपीज, ये रिफंड हो जाएंगे 10,000 आपने पहले डिपॉजिट कर रखा है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वो आपको रिफंड हो जाएंगे। लेकिन आपको इसमें अगर सीट अलॉट हो जाती है और उस पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपके ये 10,000 ये और 10,000 पहले वाले, ये 20,000 रुपीज फॉरफिट हो जाएंगे। ये आपको एक इसमें आपको अंडरटेकिंग भी देना है, अंडरटेकिंग में यही लिखा है कि अगर हम सीट ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये 20,000 फॉरफिट हो जाएंगे इसमें। इसके बाद में एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम। एलिजिबिलिटी में ऐसा है कि वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं जिन्होंने प्रीवियस राउंड में जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है, यानी कि सीट होल्ड नहीं कर रखी है उन्होंने, वो कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें मोपअप राउंड में भी जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है थर्ड राउंड में और स्टे वैकेंसी में सीट अलॉट नहीं हुई है, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें एलिजिबल कौन से कैंडिडेट नहीं हैं, तो इसमें अगर किसी को पहले प्रीवियस राउंड में स्टेट में सीट अलॉट हो रखी है, ज्वाइन कर लिया है, तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके मोपअप और स्टे राउंड में, डबल ए ट्रिपल सी के मोपअप और स्टे राउंड में किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है, इसमें आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्टेट के या फिर डबल ए ट्रिपल सी के इसमें मोपअप राउंड तक, सॉरी सेकंड राउंड तक अगर किसी कैंडिडेट ने सीट ज्वाइन कर रखी है तो वो कैंडिडेट इसमें
अलाउड नहीं है, वो इसके लिए इलिजिबल नहीं है। और जिनको डबल ए ट्रिपल सी के मोपअप राउंड में और स्टे वैकेंसी में सीट अलॉट हो गई है, चाहे उन्होंने ज्वाइन किया हो नहीं किया हो वो बात अलग है, लेकिन सीट अलॉट हो गई है उसके बाद भी अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो वो कैंडिडेट भी इसके लिए इलिजिबल नहीं है। इसके बाद में हम एक बार इसका शेड्यूल देख लेते हैं। तो इसके जो पेमेंट होगा सिक्योरिटी मनी का 10,000 रुपीज अभी डिपॉजिट होंगे स्पेशल स्टे के लिए, वो 6 से 8 मई 2022 तक होंगे। इसके बाद में चॉइस फिलिंग भी इसी टाइम तक होगी, 6 से 8 मई तक होगी इसमें। इसके बाद में 10th मई को रिजल्ट आ जाएगा और रिपोर्टिंग होगी 10th से 14th मई 2022 तक, यानी कि जो इसके आयुष की कट ऑफ डेट है वो 14 मई 2022 तक कर दी गई है, पहले ये 10th मई तक थी। तो अगर आप भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपको कहीं सीट नहीं मिली हुई है, तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको 10,000 रुपीज इसमें डिपॉजिट करना है, उसके बाद च्वाइस फिल करनी है और फिर अलॉटमेंट होगा इसमें। तो ये जानकारी थी आयुष के बारे में, बाकी अपडेट मिलते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।